हुण गल करांगे राम रहीम दी जो कि अपनी फरलो मामले नूं लैके लगातार सुर्खियां दे विच ने ते हाई कोर्ट तक यह मामला जो है वह पहुंचा होया ते अज पटीशन दे उत्ते पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट दे विच सुनवाई होवेगी। तुहानू दस दईए कि एक शख्स ने उन्हां दी फरलो नूं हाई कोर्ट दे विच चुनौती दित्ती है। सो हरियाणा सरकार ने राम रहीम नूं 21 दिन दी तुहानू दस दईए कि फरलो जो है वह दित्ती सी जिस दे उत्ते अज सुनवाई होवेगी। एक शख्स के वालों की उन्होंने फरलों में चुनौती दी गई थी, इल्जाम लगाया जा रहा है, कहा जा रहा है कि चोणों के विच किते ना किते फायदा चुकण दे लई उन्होंने जो है राहत दी गई, फरलो दी गई 21 दिनों की। अज उस पर जो है अहम सुनवाई हो जा रही है, जबकि हरियाणा सरकार वालों जो है कहा गया सीगा कि फरलो जो है उन्होंने अधिकार बनता है। तो हरियाणा सरकार ने राम रहीम नूं 21 दिन की जो है वह फरलो दिती है जिसके उत्ते जिसनूं चुनौती दिती गई सी एक शख्स के वलों दी इल्जाम लगाते हुए कि चोणां दे विच किते ना किते फायदा लैण दे लई इह सब कुछ किया गया, जबकि हरियाणा सरकार वालों तर्क दिता जा रहा है कि फरलो लेना हरेक का अधिकार है, हरेक जो कैदी हुंदा है ते उन्हां नूं कानून मुताबक ही फरलो जो है वह दिती गई। दस दईए कि राम रहीम 21 दिनों की फरलो के मामले बाहर ने, फरलो उन्होंने मिली है 21 दिनों की, तो इस चुनौती दी गई अज हाई कोर्ट के सुनवाई जो है हो जा रही है। इस बारे होर ज़्यादा जानकारी देने लिए साडे सहयोगी नेहा शर्मा साडे नाल जुड़ गए ने फोन लाइन के उत्ते। नेहा जे गल की जाए तो जदन तो राम रहीम फरलो मिली है उस दिन तो यह मामला सुर्खियों के है, लगातार जो ने इल्जाम लगाए जा रहे हैं कि ना कि किसी खास पार्टी ने चोणों फायदा लैण के लिए उन्होंने ये राहत दवाई है, की कुछ अच्छ सुनवाई हो जा रही है इसते। अज की सुनवाई बहुत ही अहम रहने वाली हैगी है, क्योंकि जिस तरीके जिस दिन तो फरलो मिली है सवालों के घेरे के है राम रहीम और हरियाणा सरकार भी, और जो पिछली तारीख में हेयरिंग हुई थी बहुत ही इंपॉर्टेंट हेयरिंग हैगी, जिस हरियाणा सरकार ने कह दिया सी अपने एफिडेविट के कि राम रहीम जो है वह हार्ड कोर क्रिमिनल नहीं है, और जी फरलो दी गई है वह भी बिल्कुल नियमों के मुताबिक दी गई है, क्योंकि 5 साल की कैद जी है कट ली गई है। तो इसके उत्ते जो याचिकाकर्ता के वकील है गगन बल उन्होंने वालों कहा गया सी कि यह जोड़ा है फरलो इलीगल दी गई है और इलेक्शन के वेले दी गई है, और एक खास पार्टी को जोड़ा है जो बेनीफिट देने लिए फरलो दी गई हैगी सी, और फिलहाल जोड़ा है अज क्योंकि पिछली तारीख में भी तकरीबन 4 घंटे केस की सुनवाई की गुरप्रीत, और अज जोड़ा है याचिकाकर्ता के वकील जड़े ने उन्होंने कुछ जजमेंट जड़िया ने अपने फेवर के देने दे जोड़ा है समा दिता गया कि सुप्रीम कोर्ट दिया कुछ जजमेंट जड़िया ने कोर्ट कर जिस आधार के उत्ते कह रहे हैं कि फरलो का जोड़ा आधार है वो गलत है, हरियाणा सरकार ने गलत तरीके फरलो दी है। सो अच दो चीजा क्या डिसाइड होने वाली ने गुरप्रीत, एक तो है कि हार्ड कोर क्रिमिनल हैगा राम रहीम या नहीं कैटेगरी डिसाइड करेगा, है दूसरा जरा हरियाणा सरकार ने फरलो दी है उसका आधार जरा है कि वो लीगल हैगा या इलीगल, यह दोनों चीजा के उत्ते अहम सुनवाई होने वाली हैगी है, और इस कारण सब दिया नजर जड़िया ने इस टिकिया हुई ने। जी 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 नेहा बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। सो राम रहीम की फरलो में जो है चुनौती दी गई हाई कोर्ट के अच्छ सुनवाई हो जा रही है, तो यह भी जो है हरियाणा सरकार वालों तर्क दिता गया कि राम रहीम हार्ड कोर क्रिमिनल नहीं है, तो जो कानूनी अधिकार जो है उसका कानून के मुताबक ही उसनों फरलो जो है वह दी गई सी।